देश के तेल तेलन बाजारों में बीते शुक्रवार को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, बिनौला, सीपीओ और पामोलिन तेल तिलन के भाव लाभ के साथ बंद हुए। बाकी तेल तिलन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। विदेशों में गुरुवार रात की तेजी के बाद घरेलू बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज शुक्रवार को छुट्टी की वजह से बंद था, जबकि शिकागो एक्सचेंज गुरुवार की रात 2% की तेजी के उपरांत फिलहाल लगभग 1.5% मजबूत था। सूत्रों का कहना है कि देश में सोयाबीन फसल का मौसम होने के बावजूद किसान सस्ते में सोयाबीन की बिक्री नहीं कर रहे हैं, जहां सोयाबीन प्लांट वालों की मांग मजबूत है। इस स्थिति की वजह से सोयाबीन के अलावा बाकी तेल तिलनों के भाव में भी मजबूती रही। इंदौर एक्सचेंज के वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोयाबीन पर 4% का ऊपरी सर्किट भी लगता नजर आया। सूत्रों का कहना है कि इंदौर एक्सचेंज में सोयाबीन के जनवरी अनुबंध का भाव 5.25% बढ़कर शुक्रवार को 6,720 रुपये हो गया। वहीं महाराष्ट्र के शोलापुर कीर्ति के प्लांट वालों ने सोयाबीन का भाव बढ़ाकर 7,000 रुपये क्विंटल कर दिया, जहां किसान नीचे भाव में अपना माल नहीं बेच रहे हैं। मूंगफली के तेल रहित कल यानी कि DOC की मांग बढ़ने से मूंगफली तिलहन के भाव में सुधार आया, जबकि इसके तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। वही बेपड़ता होने से बिनौला तेल की कीमतों में भी सुधार आया है। सूत्रों का कहना है कि पाम तेल का आयात करने में नुकसान की स्थिति है। सर्दी का मौसम होने के कारण इसकी मांग प्रभावित हुई है। उनका कहना है कि सरकार को खाद्य तेलों की कीमतों की निगरानी के लिए एक समिति बनानी चाहिए, जो ये सुनिश्चित करे कि खुदरा बाजार में बिकने वाले खाद्य तेलों के भाव थोक बिक्री भाव के अनुरूप हों, बाकी तेल तिलनों के भाव अपरिवर्तित बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।